हेलो फ्रेंड्स, मैं बबली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी बगिया में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में बात करूँगी। उस पौधे को मुझे रिपोर्ट करना है फ्रेंड्स, उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो टॉपिक पे आने से पहले अपने गार्डन के सुंदर सुंदर फूल दिखा रही हूँ। और देखिए, टिकोमा में 3 फूल खिले हुए हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके कलर भी बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। और देखिए, तो पौधा ज़्यादा घना नहीं है, पर जितने भी ब्रांच है सभी में कली बहुत अच्छे से बने हैं। और आज भी देखिए, कल जो कली दिखाई थी तो आज वो खिल गए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फूल का साइज़ देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा है। और इस पौधे में जितने ब्रांच है सभी में बहुत ही अच्छे से कली बन रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हिबिस्कस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अब बहुत सारे खिल भी रहा है फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरे ज़रूर देखना फ्रेंड्स, अगर थोड़ी भी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर ही करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। आप सब वीडियो देखते हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो फ्रेंड्स, तो उसमें पैसे नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फ्रेंड्स वहाँ भी मुझे फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना। तो देखिए, इस वाले में भी 2 फूल खिला हुआ है, सिंगल पेटल में है, पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ फ्रेंड्स। तो देखिए, ये नागचंपा का पौधा है फ्रेंड्स, और ये 2-3 साल पुराना पौधा है, पर इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई है। इसमें कुछ दिन पहले ही फर्टिलाइज़र भी दे थी फ्रेंड्स, पर 15 दिन करीब हो गए फर्टिलाइज़र दिए हुए, कोई भी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं इसको इसमें से निकाल के आज देख रही हूँ फ्रेंड्स, कि हो सकता है कि इसके रूट अच्छे से नहीं बने हो, तो किसी कारणवश इसके जड़ ख़राब हो गया हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कल पौधा रिपोर्ट की थी तो बहुत अच्छे से इसमें फूल आ रहे हैं। और ये पौधा कोई भी पत्ते मुरझाए नहीं है फ्रेंड्स, आज धूप उतनी तेज़ नहीं है, तो इसलिए मैं 2-3 पौधे को आज भी रिपोर्ट कर रही हूँ। और ये देखिए, इसका पत्ता थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा है, पर ये भी लग जाएगा फ्रेंड्स। हिबिस्कस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और देखिए, एक हिबिस्कस को भी मैं यहाँ पे रख दी हूँ, तो 2 हिबिस्कस से अब इस साइड हो गए फ्रेंड्स। और देखिए, इसमें लाल कलर के फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, सिंगल पेटल में ही है। और इस मेहंदी के पौधे को भी मुझे छोटा करना है फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा हो गया है। और ये दोनों साइड कनेर है, तो ये कनेर से टच हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैं या तो उसे आधे से कट कर दूंगी। और ये देखिए, गोरी चोरी का है, इसमें भी कली बन रहा है, तो कुछ ही दिनों में ये खिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको निकाल के देखते हैं इसमें से किस हाल में है इसका जड़, क्योंकि चंपा का जो इसका व्हाइट कलर का फूल होता है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लगता है, काफ़ी दिनों तक खिला रहता है। तो देखिए, मैं इसमें से निकाल के देखी हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके जड़ बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, बिल्कुल ही ख़राब है फ्रेंड्स। और देखिए, इसके जड़ में चिकनी मिट्टी लगी है फ्रेंड्स, तो वो जो होते हैं ना, जड़ को फैलने नहीं देते हैं। तो आज मैं इसको अच्छे से धो के और तब फिर से रिपोर्ट करूंगी फ्रेंड्स। तो इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ, तो क्योंकि नहीं धोऊंगी तो फिर जड़ में जो मिट्टी चिपका हुआ है वो हटेगा नहीं। तो देखिए, मैं साफ़ करके ले ली हूँ, तो फ्रेंड्स लग जाएगा। देखिए, नोट के यहाँ से ब्रांच भी निकल रहे हैं, तो लग जाना चाहिए। वैसे इसका कटिंग भी लग जाता है, तो देखिए ऊपर जो ब्रांच है 2, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी फ्रेंड्स, और कटिंग के रूप में ऊपर से लगा लूँगी। यहाँ से कट कर लेती हूँ, और देखिए मैं यहाँ से कट करके ले ली हूँ। यहाँ पे ऊपर फंगी साइड का पाउडर है तो वो लगा दो, नहीं तो मैं हल्दी लगा दूँगी। और देखिए, जो कट की हूँ तो वहाँ पे भी मैं हल्दी लगा के, आज मैं इसको नहीं लगाऊंगी फ्रेंड्स, 2-3 दिन मैं छाए वाले जगह में रख रही हूँ, और 2-3 दिन बाद मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि इसमें से जो दूध निकलते हैं उसे सूखने देना चाहिए फ्रेंड्स, तभी लगाना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए, मैं हल्दी ही लगा रही हूँ, हमें यहाँ पे पानी नहीं देना है ऊपर कभी भी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और देखिए, मिट्टी में भी थोड़ा सा हल्दी मिला रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले मिट्टी को मैं कटिंग में वाले में दूंगी, जिसमें कटिंग लगाना है। और अभी कोई भी मैं कटिंग वाले में फर्टिलाइज़र नहीं दे रही हूँ फ्रेंड्स, इस मिट्टी के पॉट में कटिंग लगाऊंगी। तो आज मैं मिट्टी भर के रख देती हूँ, तो 1-2 दिन बाद मैं उसमें लगा दूंगी। और इस वाले में जड़ वाले
है, उसमें मैं थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाऊंगी। तो इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी फ्रेंड्स। तो मैं फंगीसाइड की जगह पे फ्रेंड्स हल्दी का ही यूज करती हूँ। हल्दी में ही लौंग काली मिर्च डाल के पीस के मैं रख लेती हूँ फ्रेंड्स, उसे ही मैं अपने गार्डन में यूज करती हूँ। और ये देखिए थोड़ी सी बहुत ही पुराना गोबर की खाद है, तो उसे मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अच्छे से ये सड़ गया है, तो बहुत ही काम का खाद बन गया है फ्रेंड्स। ताज़ा रहता है तो हमें नहीं देना चाहिए, तो बहुत पुराना है ये, थोड़ा सा ही ये पुराना वाला था। तो देखिए इस वाले ग्रो बैग में मैं इस मिट्टी को भर लेती हूँ फ्रेंड्स, और इसी में लगाऊंगी। और देखिए इसमें कितने सारे होल कर दी हूँ जिससे कि पानी अच्छे से निकल आए। और देखिए आधे से मोर भी दी हूँ। वैसे हम काट भी के छोटा कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर काट देते हैं तो ये पकड़ने में थोड़ा, ये ऐसे मोर के रहता है तो पकड़ने में सही रहता है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं यहाँ पे इसमें आधे से भी कम मिट्टी दी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी रहती है तो उसमें ज़्यादा पानी स्टोर रहेगा, तो ये जड़ के लिए अच्छा नहीं रहता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए मैं हल्दी जड़ में भी दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये पौधा लग जाएगा, तो जो भी अपडेट रहेगा आगे के वीडियो में दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो मैं मिट्टी को अच्छे से दबा देती हूँ, और इसमें जड़ जल्दी से रूट बन जाए उसके लिए मैं कुछ दे रही हूँ। तो चलिए दोनों में मिट्टी भर के रख ली हूँ। देखिए कुछ DAP के दाने ली हूँ फ्रेंड्स, तो इस दोनों पौधे में दूंगी। तो बस इसमें 7-8 दाना डाल दी हूँ, छोटे वाले में 4 दाना दी हूँ, थोड़ा सा रह गया है। तो और मुझे पौधा रिपोर्ट करना है उसमें भी दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको जहाँ पे रखना है रख देती हूँ, और इसको मैं इसमें पानी नहीं दूंगी अभी, इस वाले में दे देती हूँ। और इसके ऊपर से मैं पोरचुलका की कटिंग लगा दूंगी अभी फ्रेंड्स। और देखिए पेंसिल कैक्टस का पौधा है, तो इसका भी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गया है फ्रेंड्स। तो दूसरे वाले को तो नीचे के बालकनी में रिपोर्ट की थी, इसको मैं आज इसमें रिपोर्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स रिपोर्ट करके नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इस पौधे को रिपोर्ट कर लेती हूँ, फिर मिट्टी उठा के रख लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, मैं पानी भी डाल दी सारे पौधे को, और कल मैं बहुत अच्छे से सारे पौधे को पानी दी थी फ्रेंड्स। आज बाकी सब को नहीं दी हूँ, सिर्फ जिसको रिपोर्ट की हूँ उसी पौधे को दी हूँ। तो देखिए पेंसिल कैक्टस को भी यहीं पे रख दी हूँ, इस पे सही रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे नीचे पानी निकल जाता है, सही रहता है। नीचे हम रख देते हैं ग्रो बैग को तो उसमें से पानी नहीं निकलता है, तो हमेशा ग्रो बैग को किसी ऊंची जगह पे ही रखना चाहिए। और कनेर के फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस पौधे को भी मैं रिपोर्ट की हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसके जो जिसमें लगा हुआ था ग्रो बैग में वो फट गया था, साइड से मिट्टी निकल रहा था फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही थी कि फूल ख़त्म होगा उसके बाद रिपोर्ट करूँगी, पर बहुत ज़्यादा गर्मी फिर हो जाएगी फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं इस बोरी को काट के हटा दी और जड़ के साथ इसमें रख दी हूँ। तो इसके जड़ को मैं ज़्यादा छेड़ी नहीं हूँ, तो उम्मीद है कि इस पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, और जो हम अभी चंपा के पौधा लगाए हैं वो भी अच्छे से लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही शेयर करना था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और फेसबुक पे देखना तो वहाँ भी मुझे फॉलो करना। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।